बीजेपी की पहली लिस्ट आने के बाद से टिकट न पाने वाले नेताओं के इस्तीफे का दौर हरियाणा में लगातार जारी है। ताजा मामला जिंद जिले से आया है, जहां टिकट न मिलने से नाराज पूर्व मंत्री बच्चन सिंह आर्य ने बीजेपी छोड़ दी है। बच्चन सिंह आर्य जिंद के सफिंदो से टिकट मांग रहे थे। बीजेपी ने यहां से जेजेपी के बागी विधायक राम कुमार गौतम को उम्मीदवार बनाया है। जानकारी के मुताबिक जेजेपी के बागी विधायक राम कुमार गौतम को सफिंदो से टिकट मिलने से नाराज होकर बच्चन सिंह आर्य ने चार लाइनों में अपना इस्तीफा लिखकर प्राइमरी मेंबरशिप भी छोड़ने का ऐलान कर दिया। बता दें कि इससे दो दिन पहले उन्होंने चार लाइन की कुछ पंक्तियां भी लिखी थी। लगा दो आग पानी में, शरारत हो तो ऐसी हो, मिटा दो हस्ती जुल्मों की, बगावत हो तो ऐसे हो। वह इस्तीफा देने के बाद बच्चन सिंह ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। पार्टी छोड़ी है, जान राज की थी। तो पुरानी बात होली, दो तीन बार कह चुका हूँ मैं पहले भी। आज लोगों ने कहा कि छोड़ दो, आपने देखा ना 10,000 के आसपास का जनसभा था। मैंने कहा भी क्या करूं? बताओ, पार्टी में रहूं या आजाद रहूं, या चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, बोल रहा था। विशाल भीड़ ने सर ने कहा कि नहीं 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 नहीं, भाजपा में नहीं रहना, भाजपा ने, आपने देखा ना हाथ उठा करके सब। तो उन्होंने कहा, पब्लिक ने, सफेदों की 36 बिरादरी ने, जनता ने कहा तो कि नहीं छोड़ दो, तो मैंने छोड़ दी। बहुत पहले उन्होंने कहा था भाजपा में आ जाओ, हाथ उठा करके उस समय भी उन्होंने कहा था, तो मैं भाजपा में आ गया था। अब उनके कार्यों से संतुष्टि नहीं हुई लोगों को, मेरे दोनों के लोगों को, और उनकी कार्यशैली अनुकूल नहीं बैठती जिन जिले को, हमारे को, खासकर विधानसभा सफेदों को। तो उन्होंने कहा जी हमने देख लिया, एक बार कोई कपड़ा लेकर देख लिया, अगर वो सही नहीं निकलता तो दोबारा थोड़ा खरीदेंगे, उसको दोबारा लेंगे नहीं, कह देते हैं ये हमारे अनुकूल नहीं है। तो सफेदों की जनता ने आज इग्नोर कर दिया भाजपा को, और मेरे को कहा कि नहीं। फिर मैंने कहा मैं क्या करूं, बोला फार्म भरकाओ, हमारा टिकट लो। आपने देखा होगा एक बहुत बोर्ड बना करके लाए थे, पब्लिक में दिखाया कि जनता का टिकट, तो मैं जनता के टिकट पर चुनाव लड़ रहा हूँ, जनता अपने आप लड़ रही है। वो किसी एक दो व्यक्ति का हो सकता था जो साइन करके देते हैं, ये सफेदों की 10,000 जनता ने अपना टिकट दिया, उन्होंने दिया तो मैंने स्वीकार किया, क्योंकि वोट तो उन्होंने देने, वोट कोई उधर बैठे हुए उन्होंने नहीं देने, जो कहीं भी किसी को अपने डिक्टेटरशिप चलाते हैं, नहीं नहीं, उनके तो वोट भी नहीं है, वोट तो यहाँ जनता के है ना सफेदों के। यहाँ से भाजपा ने बारी प्रत्याशी उतारा है, क्या इतिहास रहा जब बारी प्रत्याशी? शुरू से ही है कि बारी प्रत्याशी को सफेदों हल्का, मैं अब भी सफेदों के खेड़े पे गया था, दीपक लगा के आया था, वहां भी वाइब्रेशन आ रही थी कि बेटा शाबाश आगे बढ़ो। मैं अपने सफेदों हल्के में खेड़ा के साथी जो यहाँ के बीजेपी के कार्यकर्ता थे, बीजेपी के नेता थे, तो उनके भी साथी कह रहे हैं कि बारी प्रत्याशी नहीं चलेगा। इतिहास क्या रहा, कितने बारी प्रत्याशी इससे पहले आए हैं? जितने भी कोई भी आया आज तक बने नहीं, जब से वोट पड़ने लगे। आज तो मैं 10,000 में बोल का सब नहीं पता कौन कौन फिर क्या नहीं थे, मैं अपनी बात जानता हूँ। चलिए, जीत को लेकर क्या कहेंगे? जनता का टिकट है तो जनता अपने पे वोट देगी कि उन दूसरों के दिए वो टिकट को देगी? जनता का टिकट है, जीत हार सब कुछ जनता की है, वो तो वो जाने। मेरा तो एक वोट है, मैं अपना डाल दूंगा इस जनता का जो टिकट है, और जनता डालेगी, 70,000 डाले, 80,000 डाले या ज्यादा डाले, जो डाले अपने टिकट पर, जनता के टिकट पर जनता क्यों नहीं डालेगी, तो डालेगी। और फिर टिकट ये तो नारे लगा रहे थे आज कि टिकट तुम्हारा और वोट हमारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, पीछे से आवाज आ रही थी जोर शोर से, जनता का टिकट के साथ कौन टकराएगा, कौन आएगा, कभी भी नहीं। जनता तो उस टाइम उठ गई थी, यहाँ जो देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाक उल्ला खान, बहुत हिंदू मुस्लिम सभी मिलकर के, सिख भाई, भगत सिंह और सब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, जनता लड़ाई लड़ रहे थे, अंग्रेज भी नहीं टिके थे, ये तो बेचारे, मैं क्या कहूँ इनके लिए।
इससे पहले सिरसा जिले के रानिया से विधायक रहे रणजीत सिंह चौटाला ने भी सैनी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। रणजीत सिंह चौटाला मनोहर लाल खट्टर और नायाब सिंह सैनी दोनों की सरकारों में कैबिनेट मंत्री थे। बीजेपी ने उन्हें लोकसभा चुनाव में हिसार से टिकट दिया लेकिन वहां हार गए थे। वह रानिया से टिकट चाह रहे थे लेकिन बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो वह पार्टी से इस्तीफा देकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। इसी तरह गुड़गांव विधानसभा क्षेत्र से टिकट नहीं मिलने से नाराज भाजपा नेता जीएल शर्मा ने भी शुक्रवार को अपने समर्थकों के साथ पार्टी से इस्तीफा दे दिया। सूत्रों ने बताया कि शर्मा कांग्रेस में शामिल हो गए और इससे पहले टिकट के दावेदार भाजपा नेता नवीन गोयल ने भी अपने समर्थकों के साथ इस्तीफा दे दिया। बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से राव नरबीर सिंह को टिकट दिए जाने के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च भी निकाला। बता दें कि हरियाणा में 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा द्वारा 67 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी किए जाने के बाद से पार्टी को लगातार बगावत का सामना करना पड़ रहा है। टिकट नहीं मिलने से नाराज विधायक और उनके समर्थक लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं। बीटी डेस्क एनबीटी ऑनलाइन।